भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह आम बजट को न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का बजट बताया। यह देश के विकास के लिए और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने वाला बजट है। भारत में युवाओं की आबादी अधिक है, इसको मोदी सरकार ने ध्यान में रखते हुए युवा उत्थान से राष्ट्र उत्थान का संकल्प लिया है। केंद्रीय बजट 2022-23 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए युवाओं का समग्र उत्थान का बजट है। युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। आइए सुनते हैं दुर्गेश कुमार सिंह ने और क्या क्या बात कही। योजना के तहत जो है मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नए युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है उसमें 60 लाख या 16 लाख नए युवाओं को रोजगार देने की बात। इस तरह से हम कई ऐसे योजना जिससे कि हम युवाओं को रोजगार जो उपलब्ध इस बजट में होगा और आने वाले जब हम आजादी के 90 वर्ष में जाएंगे जो वर्ष होगा उस वर्ष में भारत जो है कैसे सर्वश्रेष्ठ होगा पूरे विश्व में बजट में आधार दिया। केंद्रीय बजट 2022-23 जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के शक्ति वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है के संदर्भ में आपके समक्ष मैं हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार के युवाओं के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार इस देश का बजट युवाओं के केंद्रित करके पास किया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यह देश जो है युवा प्रधान है और 60% से अधिक आबादी युवाओं की है और युवाओं के समुचित रोजगार कैसे मिले और हम कह सकते हैं यह बजट न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का बजट है और किस प्रकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, किस प्रकार छात्रों को कोविड के समय में छात्रों की पढ़ाई किस प्रकार बाधित हुई, तो डिजिटल तरीके से कैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पीएम की विद्या के माध्यम से कैसे छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो और हमारे छात्र पढ़ें और शिक्षा ग्रहण करें, इस तरह पूरी तरह से युवाओं को और आज स्वास्थ्य बिहार महाअभियान संस्था का गठन किया गया। संस्था के अध्यक्ष प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता दक्षिण बिहार प्रांत चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह एवं महासचिव शहर के चर्चित समाजसेवी सूरज सिन्हा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था के माध्यम से बिहार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए चिकित्सकों समाज सेवियों जनता का सहयोग देते हुए कार्य किया जाएगा जिसमें आम नागरिक लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मेडिकल कैंप आई कैंप एवं अंगदान अभियान चलाकर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महासचिव सूरज सिन्हा ने कहा पहले संस्था के माध्यम से शहर के सभी पार्क सार्वजनिक स्थल में चलत कैंप लगाकर बीपी शुगर आंखों की जांच की जाएगी और मरीजों को समुचित स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने स्वास्थ्य बिहार महाअभियान में इस संबंध में क्या कुछ कहा और क्या क्या जानकारी दी। स्वास्थ्य बिहार महाअभियान नाम का हम लोग एक संस्था कर रहे हैं, उसके तहत पूरे बिहार राज्य में स्वास्थ्य संबंधित एक्टिविटीज होंगे, इसमें खासकर इलाज, जागरूकता, जन जागरूकता सारी चीजें होंगी। अभी हम लोग इसके लिए करना है कि देखिए हम लोगों को समाज सेवी है और समाज सेवी लोग और चिकित्सक लोगों ने देखा कि हमारा सामाजिक सरोकार है और कोरोना काल ने बहुत सिखाया हम लोग को कि हमारे स्वास्थ्य का कितना महत्वपूर्ण चीज है, खासकर जागरूकता के इलाज के साथ साथ जागरूकता में और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का। तो इसी कारण से हम लोग ये कर रहे हैं, इसके एक्टिविटी के तहत हम मेडिकल कैंप, अवेयरनेस कैंप, जन जागरूकता, अंगदान, ऑर्गन डोनेशन ड्राइव, स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ये सब सारी चीज़ें करेंगे और तुरंत में भी हम लोग सारे पब्लिक स्थल हम लोग के जो मोबाइल मेडिकल हैं चिकित्सा आपके द्वार
तो ऐसे करके मोटरपावर डिवीजन पार्क में जाएगा। इसके बाद हम लोग एक नियम रोस्टर बना करके मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के वहाँ पे अपार्टमेंट में मेडिकल कैंप करेंगे, वो भी चिकित्सा आपके द्वार के तहत। और वहाँ की जो गंभीर समस्या उसको बिहार महाअभियान होगा, तो बिहार की 80% से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, बिना उनको इंक्लूड के लिए हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। उसी तहत में हम बिहार के गाँव में भी जाएंगे और जो टेली कंसल्टेशन है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा बिहार के गाँव के उन सुदूर क्षेत्रों को भी मिलेगा जहाँ से मरीज अस्पताल आने में सक्षम नहीं है, चाहे तो कोरोना काल में वो बाधित है लॉकडाउन में, चाहे वो वृद्ध हैं या बीमार हैं वो नहीं आ सकते हैं, तो टेली कंसल्टेशन से होगा। टेली कंसल्टेशन में कुछ मरीजों को जिनको भर्ती के अस्पताल में जरूरत होगी वही आएंगे, मेजर वहाँ रुक जाएंगे। और गाँव की ओर भी जब आते हैं तो हम लोग का जो चिकित्सक आपके द्वार, तो आपके द्वार का मतलब कोई शहर का द्वार नहीं है, इसका मतलब गाँव का है। चिकित्सक आपके द्वार मतलब चिकित्सक गाँव गाँव में मोबाइल वाइन की बात नहीं, तब बात से करेंगे गाँव को, तो बिना गाँव को विकसित किए स्वस्थ किए हुए हम लोग का ये पूरा अभियान का महत्वपूर्ण अंग है। और डॉक्टर नागेंद्र खैर बताएंगे कि आगे पर क्या है। देखिए ये जो स्वस्थ बिहार महाअभियान जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसके तहत हम लोग सबसे जो हम जैसे कि अगर बिल्कुल अवेयर नहीं है तो छोटी छोटी जो अननेसेसरी चीज़ों को लेकर के हॉस्पिटल में परेशान होते हैं या भीड़ बढ़ाते हैं, इससे क्या हम जगह का जो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का स्तर गिरता है। अगर हम लोग पहले ही जागरूक कर दें कि ये चीज़ों से नहीं जा सकते, ये नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि मजा है और कहीं कहीं जा करके हम लोग जहाँ पब्लिक प्लेसेस पर जा करके हम लोग उसको अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएं और छोटी मोटी माइनर चीज़ को हम लोग वहाँ ही ट्रीट करते हैं, वहीं सलाह देते हैं, जिससे कि हम लोग काफ़ी हद तक बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं मेजर हॉस्पिटल से, जो कि और आपका जिससे होगा कि हम लोगों का ये जो क्वालिटी ऑफ जो केयर इलाज का क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा। और निःशुल्क बीपी, शुगर, आँख का, नेत्र का जांच होगा और जरूरत पड़ने पर हमें हम लोग चिकित्सा डॉक्टर्स के पास भी ले जाएंगे और जो संभव हो सकेगा वो हम लोग बरत लेंगे। और दूसरी कि अधिकांशतः यह देखा जाता है शहर में कि जानकारी के अभाव में कोई भी रोग बढ़ते जाता है, लोग निग्लेक्ट करते हैं, इसके लिए जन भागीदारी की अत्यंत आवश्यकता है। बगैर जनता के भागीदार कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। हम लोग जागरूकता अभियान और ईमानदारी से चलेगा, ये ऐसा नहीं कि जमीनी स्तर पर हम लोग काफ़ी प्रारंभ से ही डॉक्टर सुनील बाबू हैं और प्रणव बाबू भी आए नहीं हैं, डॉक्टर नागेंद्र भी हैं, श्वेता गुप्ता जी हैं, हम लोग जमीनी स्तर पर ये कार्य करेंगे और अन्य जिलों में भी, शुरुआत तो पटना शहर से होगी, पटना जिला ही अपना बेहद रूप से प्रभाव अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों ने देखा भी होगा। हम लोग लालगंज में भी इसी महीने में लालगंज में भी कार्यक्रम होगा। बिहार के हर जिलों को हम लोग कनेक्टिविटी बनाएंगे, वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करेंगे, वहाँ से लोकल बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं बिहार में जहाँ इलाज के अभाव में वो हॉस्पिटल ले जाने में भी मुश्किल होती है पेशेंट, हम लोग कोशिश करेंगे। हालांकि ये आगे की योजना है, बड़े स्तर पर सेमिनार भी होगा। पटना से रमण कुमार की रिपोर्ट।